नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। कोलकाता रेप मर्डर मामले में आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और सहयोगियों के घर पर ईडी ने मारा छापा। सिलीगुड़ी छात्रा हत्याकांड मामले में आरोपी एमडी अब्बास की सजा की तारीख फिर टली, कल सुनाई जाएगी सजा। सिलीगुड़ी छात्रा हत्याकांड के दोषी को सजा के ऐलान के दौरान अदालत परिसर में पुलिस और विनर्स वाहिनी की गई तैनात। सिलीगुड़ी में आरजीकर घटना के विरोध में भाजपा ने चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस द्वारा दार्जिलिंग मोड़ से रूट को किया डाइवर्ट। राजगंज में एक घर से पुलिस कर्मी का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद होने से इलाके में फैली सनसनी, पुलिस कर्मी की आत्महत्या से परिवार वाले हैरान। फुलबाड़ी संलग्न ज्योतिया काली में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार घायल, घटना की जांच में जुटी पुलिस। आरजीकर मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर गुरुवार को शिक्षकों ने सिलीगुड़ी के बाघाजतिन पार्क से निकाली विरोध रैली। सिलीगुड़ी में पहल एनजीओ द्वारा लड़कियों व महिलाओं के लिए निःशुल्क आत्मरक्षा कक्षाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया गया आयोजन। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 33 में नव ग्राम गणेश पूजा कमेटी का सिलीगुड़ी के मेयर तथा उक्त वार्ड के पार्षद गौतम देव ने किया उद्घाटन। 3 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सिलीगुड़ी में नशा मुक्ति केंद्र के मालिकों के साथ की बैठक, नशा मुक्ति केंद्र के मालिकों को लाइसेंस के बारे में दी गई जानकारी। आरजीकर घटना के विरोध में राजगंज के बेलाकोवा के बौरतला मोड़ पर भाजपा उत्तर मंडल की ओर से किया चक्का जाम कार्यक्रम, सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा में आरजीकर घटना के विरोध में भाजपा ने चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।